लेटेस्ट अपडेट्स के लिए अल्ट्रा चैनल्स को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। एक बात बताओ। हैं जी। अबे मुझसे पूछ रही है। क्या आदमी है? इतने जरूरी कागजात तो मेरे लॉकर में क्यों रख रहे हो? अंदर चलो बताता हूँ। बेटा तुम यही बैठो, अंदर आओ। आओ अंदर बताओ। नो मिस्चीफ, ओके? ये सब शेर सिंह की वजह से कर रहा हूँ मैं। पता नहीं उसको हमारे बारे में क्या क्या पता है। कभी इम्पोर्टेंट पेपर मार ले तो? सही कह रहे हो, तो मुझे तो कुछ चोरी भी तो कर सकता है। हेलो, एक्सक्यूज मी, मुझे शक है शेर सिंह बाहर है, बैग यहाँ रखा हुआ है। हेलो 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 हेलो, उसका फोटोकॉपी लाया। सुनो, प्रॉपर्टी के पेपर अंदर रख लिया? हाँ रख दी। और अंदर की ज्वेलरी बैग में रख दी कि नहीं? ज्वेलरी रखने की क्या जरूरत है? और तू ज्वेलरी रखेगी तो मेरी वोटी क्या पहनेगी? अब पहचाना नहीं? हाँ, ऊपर शेखर, अंदर शेर सिंह। शेर सिंह? हाँ नहीं। हाँ नहीं। हाँ नहीं। हाँ यस, दिन धारे डाका। अच्छा, ये मैनेजर साहब थे ना? निशा, शेर सिंह ने तुम्हें ही नहीं मुझे भी बेहोश कर दिया। ये देखो। पापा पापा, आप यहाँ बैठे, भागो यहाँ से। लेकिन बेटा क्या हुआ? डुप्लीकेट पापा ने आप बनकर मम्मी के सारे गहने चुरा लिए हैं। हाँ, पुलिस आपको ढूंढ रही है। तुम लोग यहीं ठहरो। माय बाप, कानून से भाग रहे थे? इंस्पेक्टर साहब, मैं कानून से भागने की कोशिश नहीं कर रहा था, बल्कि भाग के कानून के पास आ रहा था। और आजकल मेरा नसीब इतना अच्छा चल रहा है कि जमानत मेरे साथ चलती है। चेला रमानी जी, मुलाकात कीजिए। अरे यार, लगता है मेरा बचा कुचा पैसा सब तेरी जमानत में खर्च हो जाएगा यार। देखो, समझ जाओ, आखिरी बार मैं जमानत मंजूर कर रहा हूँ। इसके बाद मुझे आपकी जरूरत भी नहीं पड़ेगी इंस्पेक्टर साहब, क्योंकि मैंने सोच लिया है कि अब मैं उस बैरूपिये का ऐसा हाल करूंगा कि उसके कान हिल जाएंगे और उसका दिल बहरा हो जाएगा। तुम्हारा कहने का मतलब ये है कि उसका दिल हिल जाएगा और कान बहरे हो जाएंगे? हाँ जी, हाँ जी, ऐसा ही कुछ है। अच्छा, तुम करोगे क्या लेकिन? अरे मैं ऐसा कुछ करूंगा कि उसकी आत्मा सोचने पर मजबूर हो जाएगी और उसका दिमाग जो है वो कांप उठेगा। दिमाग सोचने पर मजबूर हो जाएगा और आत्मा कांप उठेगी? हाँ जी, हाँ जी, ऐसा ही कुछ है। लेकिन तुम करोगे क्या? वो तो जब मुझे पता लग जाएगा तो मैं आपको कर ही दूंगा। अरे नहीं नहीं, इसके कहने का मतलब है जब ये करेगा तो आपको तो पता चली जाएगा। अबे तू करेगा क्या? आप तो ऐसे चला रहे जैसे आप अपोजिट पार्टी के आदमी है। नहीं, अभी नहीं। तो मैंने खुद ही नहीं सोचा कि मैं क्या करूंगा, तो आपको कैसे बता दूं? लेकिन एक बात पक्की है कि मैं कुछ ना कुछ करूंगा जरूर। कुछ ना कुछ? ये कुछ ना कुछ क्या होता है? कुछ भी हो सकता है। अरे तुमको पता लगाना चाहिए था कि उसके दिमाग में कुछ तो होगा। अरे पूछा तो उसने कहा कि मैंने कुछ सोचा ही नहीं है। मतलब ये हुआ कि जब तक वो सोच न ले कि वो क्या करने वाला है, तब तक हम ये सोच सोच के डरते रहे कि वो क्या सोचने वाला है। तब तक हमारे दिल में कुछ कुछ होता रहेगा। लेकिन तुमने उसका कुछ किया क्यों नहीं? हाँ, तुम चाहते तो बहुत कुछ कर सकते थे। अरे कुछ नहीं तो कम से कम 4 महीने के लिए अंदर कर डालते साले को। ओ हेलो, क्या हमारे बाप का राज चल रहा है क्या कि कुछ भी कर ले? छोटे मोटे जुर्म में कुछ नहीं होता है, जमानत पर निकल आएगा वो। कोई कोई बड़ा इल्जाम होना चाहिए। मर्डर 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 के चक्कर में अटका डालो साले को। ऐसे चक्कर में मैं उसे सीधे एनकाउंटर में उड़ा दूंगा। हाँ हाँ, कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा, तभी तो वो निशा मेरे विक्की की होगी और सारी दौलत हमारी होगी। विक्की मतलब ये तो? और एक बात का ख्याल रखना, ऐसा नहीं हो कि तुम उसको एनकाउंटर करने ले जाओ और वहां पर वो तुमको मार के भाग जाए साला। हाँ, ऐसा कुछ हो सकता है क्या? अरे कुछ भी हो सकता है। क्या हुआ? हाँ? I don't trust that guy. नहीं, ऐसा लगा जैसे कोई। हाँ? 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 कौन? हेलो जी, बोलिए कौन? सर, मैं मैगी बोल रही हूँ सर। हाँ, मैं नूडल बोल रहा हूँ, बोलो जी। अरे नहीं यार, मेरा बोलने का मतलब है कि मैं साहब बोल रहा हूँ, मैगी बोल। सर सर, मुझे पता चल गया है कि आपका हमशक्ल कौन है और ये सारी चालें किसकी हैं? किसकी चाल है मैगी? बोल बोल, तू बोल। वो मैं आपको फोन पे नहीं बता सकती सर, मेरी जान को खतरा है। मुझे लगता है वो लोग अब जितनी जल्दी हो सके विक्टोरिया फाउंटेन आ जाइए सर। मैं अभी कपड़ा चेंज करता हूँ, नहाता धोता हूँ और विक्टोरिया निकलता हूँ। जिस हालत में भी है जल्दी आ जाइए सर। मैं एक मिनट में आ, तो होल्ड कर। रुक जा रिक्शा, रुक जा।
छुट्टा नहीं साहब। ठीक है चल। अच्छा साहब। और मैगी? यार मुझे नूडल बना के कहाँ चली गई मैगी? ओ मैगी, ओ मैगी, ओ मैगी। हाँ हूँ बता, हूँ बता, वो कौन लोग हैं जो मेरे पीछे पड़े हैं और तुझे क्या पता है? ओ मैगी, और मैं तो उससे बात कर रहा हूँ और तू भूत की तरह उधर क्या देख रही है और तू समझती नहीं है मैगी। ओ मेरे जानना बहुत ज़रूरी है कि वो कौन लोग हैं जो मेरे पीछे पड़े हैं। ओ मैगी, और तुझे क्या हो गया मैगी? मैगी, ओ इसका तो इन लोगों ने काम कर दिया और ये प्रॉब्लम मेरे गले ना पड़ जाए। अब पजले शेर सिंह, हटो हटो हटो। ओ यार वो मौका है वारदात पे, मैं इससे बड़ा सबूत को छोड़ ही नहीं सकता। और मेरी लुंगी कब छूटी? लुंगी? हाँ कुछ मिला? ये लुंगी मिली साहब। अरे ये लुंगी, अरे ये तो शेर सिंह की लुंगी है। इसका मतलब ये खून शेर सिंह ने ही किया है। शेर सिंह, कमाल है, पुलिस तुम्हें पागल कुत्ते की तरह ढूंढ रही है और तुम यहाँ आजाद पंछी की तरह घूम रहे हो। हाँ, लेकिन फिक्र करने का कोई जरूरत नहीं है। हमने वो नकली शेखर के खिलाफ ऐसा सबूत ढूंढा है कि उसको जेल में जाने से पुलिस भी नहीं रोक सकता। हाँ। ये दोनों बेवकूफ मुझे शेर सिंह समझ रहे हैं। अच्छा हाँ। वैसे वो सबूत मिलेगा कहाँ? यहाँ नहीं तो फिर कहाँ? बोलिए। वही जहाँ कोई आता जाता नहीं। ये देखो। ओ, तो यह है वो सबूत। इसका मतलब तुम लोगों ने मेरे साथ चीटिंग की। इसको बोलते हैं चीटर के साथ चीटिंग। चलो अपने कपड़े उतारो। कपड़े क्यों उतारो? अरे तू कपड़े नहीं उतारेगा तो वो शेखर कैसे बनेगा और तू शेर सिंह कैसे बनेगा? और तुम शेर सिंह नहीं बनोगे तो पुलिस तुम्हारे पीछे कैसे पड़ेगी? अबे ट्रांसफर करवा दूंगा शेर सिंह। मैं कहता हूं रुक जाओ शेर सिंह। शेर सिंह तुम यहाँ क्या कर रहे हो? क्यों मुझे कहाँ होना चाहिए था? अपने पापा के बर्थडे पार्टी में नहीं जाओगे? इसका बाप भी कमीने। क्यों क्या हुआ? नहीं मैं सोच रहा था कि मैं अपने पापा का बर्थडे कैसे भूल गया। इसीलिए तो कहता हूँ इतना नशा मत क्या करो, जाओ जाओ जल्दी पार्टी में। हाँ पार्टी, और तुम नहीं चल रहे पार्टी में? भूल गए? अरे निशा की दौलत से जो प्राइवेट प्लेन हमने खरीदा है आज उसकी डिलीवरी है। ओ, मेरी बीवी के पैसे से प्लेन खरीद लिया। सुना? हाँ। तुम्हारी जो चमक चलो छप्पन चूरी है ना, वो घर में तो हाथ लगाने नहीं देती है, उसे प्लेन में ले जाओ मजे उड़ाओ। तेरी क्या हुआ? इतना अच्छा आइडिया पहले क्यों नहीं दिया? मुझे पता है तुम्हारे पास ऐसे बहुत सारे आइडिया होंगे। गाड़ी में बात करते हैं। चले चलो पार्टी में। चलो तेरी। भाई दैट्स वेरी नाइस ऑफ यू। चोपड़ा साहब। ओहो आइए आइए। कैसे भाई, अच्छे हो ना? चोपड़ा साहब। हे राव, वेलकम वेलकम। और विक्की का बाप? Many many happy returns of the day. Thank you यार, दिन भी अपना है, रात भी अपनी है, रात अच्छी होनी चाहिए आज की, है ना? अरे बेटा, तू वहाँ क्यों खड़ा यार? बाप के गले नहीं लगेगा, हैं? आजा आजा। Daddy, Daddy, Daddy. God bless you son. Thank you Daddy. अरे राव, हाँ? मैंने तुमसे कुछ काम करने को कहा था, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? मैं उसी काम से जा रहा था लेकिन विकी ने जबरदस्ती मुझे। विकी नहीं। और राव चोपड़ा के लिए काम करता है, मेरी कंपनी में घुसा हुआ है, विकी के लिए भी यही काम करता है। चोपड़ा साहब। हे डॉक। और डॉक्टर भी मिला हुआ है, राव भी मिला हुआ है, चोपड़ा भी मिला हुआ है। अरे शेखर, क्या हाल है तुम्हारा? ठीक ठाक ठीक ठाक। एब्सोल्युटली फाइन। जरा देखें। हाँ बिल्कुल ठीक तो है भाई। हाँ बिल्कुल ठीक तो आई है। मैंने तुम्हें कहा था हा? कि मेरी बताई हुई टैबलेट्स लोगे तो सब ठीक हो जाएगा भाई। कौन सी दवाई यार? प्लास्टिक सर्जरी में होता है कभी कभी ऐसा, एक चेहरे पर दूसरा चेहरा लगाना कोई आसान काम तो है नहीं ना।
अब इरिटेशन तो नहीं हो रही ना इधर? नहीं नहीं, आहिस्ते आहिस्ते ना, जो चारों तरफ की इचिंग जो है वो सेटल हो जाएगी। होता है होता है। आ जा, जा विकी। अरे ये क्या, सुबह सुबह शेर सिंह जैसे कपड़े पहन के क्यों फिर रहा है? ये कपड़े मैंने पहने नहीं है, मुझे पहनाए गए, और मैं फिर नहीं रहा हूँ, मैं पुलिस से बचता फिर रहा हूँ। क्या बक रहे हो तुम, कल रात तो तुम हमारे साथ पार्टी में थे। अरे वो मैंने, वो शेर सिंह था। What? हाँ, मेरे तो खुद कल रात को पार्टियां गोल होते थे बचाए। साफ साफ बोलना, तू क्या कह रहा है? अरे डैड, वो शेर सिंह के चंगू मंगू मुझे शेर सिंह के पास ले गए, फिर मुझे शेर सिंह बुला के पुलिस को मेरे पीछे दौड़ा दिया। क्या? और खुद आप लोगों की पार्टी में विक्की बनकर आ गया। ओह माय गॉड। हाय डैड। डैड, ये शेर सिंह यहाँ क्या कर रहा है? शट अप, मैं शेर सिंह नहीं हूँ। तो क्या गीदड़ सिंह हो? डैड, डैड मैं विक्की हूँ, आपका खून। अरे अगर तू इनका खून है तो मैं क्या नाखून हूँ? तुझे क्या लगता है, तू बोलेगा और ये लोग मान लेंगे? तुझे क्या ये लोग बेवकूफ गधे उल्लू के पट्टे अकल के कच्चे और डफर के बच्चे लगते हैं? ठहर, अभी पांगे आएगा और तेरी बारात निकालेगा यहाँ से। फोन करने की कोई जरूरत नहीं है, पांगे पहुंच गया और सब कुछ सुन भी लिया है। ये कह रहा है कि ये विकी है, और तुम भी कह रहे हो कि तुम विकी हो। चलो तुम साबित करो कि तुम सच बोल रहे हो। हाँ हाँ, अभी दो मिनट में पता चल जाएगा कि कौन क्या है। क्या सबूत है बोलो। डैडी क्या सबूत चाहिए आपको? वो सबूत चाहिए जो पास्कल के अड्डे पर पहली बार बैठकर मैंने सुट्टा मारा था और आपने मुझे पकड़ लिया था? या फिर वो रिवॉल्वर देखनी है आपको जिससे मैंने निशा के डैडी का खून किया? या फिर वो पासपोर्ट देखना है आपको जो राव साहब शेखर के घर से चुरा कर लाए थे और उन्होंने मुझे सौंप दिया था? डैड, ये हमारे नुस्खे हमें प्याज मारा है। इसने रात को शराब के नशे में आप लोगों से सब कुछ उगलवा लिया और अब होशियार बनने की कोशिश कर रहा है। अरे यार राव साहब, मैं विकी हूँ यार, come on यार, I'm विकी यार। अबे तेरी लुंगी से लेकर तेरे कुर्ते तक और तेरे हुलिये से लेकर तेरे रवैये तक हर बात चीख चीख के कहती है कि तू शेर सिंह है। Hey, hold it! अगर तू विक्की है तो ये बता कि राव साहब ने जो वीडियो कैसेट बनाई थी जिसे स्टडी करके मैं शेखर बना, वो कैसेट कहाँ है? वो कैसेट मेरे हेल्थ क्लब के लॉकर में है। और अब तू मुझे लॉकर का नंबर पूछेगा तो लॉकर का नंबर है 111। ये कौवा मेरी जिंदगी में आ गया, इसे उड़ाओ राव साहब, इसे उड़ाओ। ए! ये कौवे वाली बात से कुछ याद आया, ये शेर सिंह की जुबान है। अभी देखना इसी के मुंह से इसकी सच्चाई उगलवाता हूँ। हाँ भाई, अच्छा एक बात बता, अगर तू वाकई विक्की है और जब तू शेर सिंह के पास गया था और तूने उसकी कंपनी के टर्नओवर के बारे में पूछा था तो उसने एग्जैक्टली क्या कहा था तुझसे? और यही क्यों है, हम लोग पंजाबी आदमी है, कंपनी के टर्नओवर फर्नओवर नहीं देखते। दूध ते लस्सी ते मस्ती ते दुनिया दी ठाओ। ये हो गया साबित, पंजाबी आदमी कौन था? शेर सिंह। खा पी कर मस्त कौन रहता था? शेर सिंह। तो फिर यही है शेर सिंह। डैड आप लोग, राव साहब क्या कर रहे हैं आप लोग? तू क्या आपको बेवकूफ समझता है? हैं? हम तेरी कोई बात मानने वाले नहीं है, तू शेर सिंह है और ये विकी है, ये साबित हो चुका है। डैड होश में आ जाइए वरना हाथ उठ जाएगा मेरा। क्या बोला? बाप पे हाथ उठाने की बात करता है? ये तो मेरा बेटा हो नहीं सकता। डॉक्टर निकाल लेजर वाला बैन, कॉलेज के हाथ में शेर सिंह, एसएस लिख दे एसएस, खाल छूट एवरीबॉडी।